हेलो हेलो गाइज, मैं वापस आ गया और आज हम खेलने वाले हैं कुछ पेड गेम्स। जी हाँ, प्ले स्टोर पर कुछ जो पैसे वाले गेम्स होते हैं जिनको पैसे देके ख़रीदना पड़ता है, हम आज वो गेम खेलने वाले हैं। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम है, मैंने एक भी गेम में पैसा नहीं डाला है, ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। इसलिए मेरे पेटीएम अकाउंट में थोड़े से पैसे डाल देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहला गेम जो कि कुछ मेरे को तो लगा था कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग गेम होगा, क्योंकि पेड़ है, जैसे माइनक्राफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और उसका कीमत 650 पे पहुंच गया। सॉरी, वो तो पहले था, 690 पे पहुंच गया। मेरे को लगा भाई होगा कुछ अच्छा खासा गेम, लेकिन भाई ये गेम से ज़्यादा बेटर इस गेम को कौन ही खरीदेगा। भाई पहले मेरे को ये बताओ, कौन खरीदना चाहेगा ये गेम? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पजल सॉल्व करो। वाह वाह वाह, यही गेम खेलना होता तो मैं प्ले स्टोर का टाउनशिप वाला गेम खेल लेता, उसमें क्या गलत बात है? टाउनशिप नहीं, कुछ और भी ऐसे पजल वाले गेम हैं प्ले स्टोर पर मिलते हैं ऐसे, वो भी फोकट में। इसको कोई फोकट में भी ना डाउनलोड करे भाई, मेरे से बस ये पजल ही सॉल्व करवाए, बाकी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं मेरे को, तो इसलिए मैंने इस गेम को डिलीट मार दिया। रख के करूँगा क्या? आपको खेलना है तो आप खेल सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको फुल पैक खरीदने के लिए बोलेगा। अगर आपने फ्री में अगर इसको डाउनलोड कर लिया तो थोड़ी देर बाद आपको ये बोलेगा कि पूरा गेम डाउनलोड कर लो, मतलब फोकट में गेम देने का और बाद में उससे पैसे लूटने का। ये अच्छा आइडिया चला है भाई डेवलपर्स ने, सलाम ऐसे डेवलपर्स को। तो ये है गेम नंबर दो, जिसमें असल में कुछ तीन हीरोज होते हैं और अपने को इधर कुछ ट्रूप्स वूप्स लगाने पड़ते हैं, जिससे हम इन ये जो भी शैतान है सस्ते शैतान, इनसे हम लड़ सके। और ये क्या है, कौन है भाई? डरे ना, इसका नाम भी कुछ समझे ना मेरे को। तो इधर अपने को एक गोलेम जैसा कुछ मिलता है और लड़ने वाले कुछ तीरंदाज और कुछ, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस की कॉपी मेरे को पक्का कॉपी लग रही है। एक गार्ड पोस्ट होता है, एक आर्चर टावर होता है आर्चर टावर के जैसा, और एक ये विजर्ड टावर के जैसा होता है इसके अंदर, और एक गोलेम थोड़ा सा मतलब ये जो साइड में आपको जो पर्पल वाला और ऑरेंज वाला दिख रहा है वो गोलेम है, और ये जो दो बड़े बंदे दिख रहे हैं वो असल में हमारे हीरोज हैं। एक को कह सकते हो आर्चर क्वीन, दूसरे को कह सकते हो बारबेडियन किंग की सस्ती कॉपी। मतलब भाई इससे बेहतर तो मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेल लूँ, वो तो फोकट में ही मिलता है, उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। और ये कौन सा, ये ग्रैंड वार्डन, उसके पास भी डंडा होता है ना, लेकिन ये इससे हील नहीं करती है, इससे इनके ऊपर बीम मारती है देखो। और इनको ख़रीदना पड़ता है एक्चुअली में डायमंड्स दे के, जिनके डायमंड्स की कीमतें कुछ ज़्यादा ही महंगी होती है, और इसमें बहुत सारी वेव्स आती है, मतलब जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे वो वेव्स बढ़ती ही जाएंगी। डिफ़िकल्टी और वेव्स की लिमिट वो बढ़ती ही जाएंगी, मतलब एक दिन लगेगा आपको एक मैच कंप्लीट करने के लिए, एक मैप ऐसा कह सकते हो। मतलब भाई कौन ही खेलेगा इस गेम को, इससे बेटर तो वो क्लैश ऑफ क्लैंस है। 3 मिनट के एक मैच होती है, 3 मिनट के बाद गेम ख़त्म। इससे मैम इसको ख़रीदने से बेहतर वही है, और ये कुछ खास मेरे को लगा नहीं। इसके कंसेप्ट का एक और गेम था, मैंने उसका गेम प्ले तो नहीं दिखाने वाला, क्योंकि बार बार एक ही कंसेप्ट का जो का त्यो गेम कॉपी मारा है, जो का त्यो। बस इसके ग्राफिक्स थोड़े से अलग, मतलब करेक्टर्स अलग दिखते हैं, बाकी जो का त्यो करेक्टर भी वैसा ही, एबिलिटी भी वैसे ही, सारे के सारे ये जो साइड में ट्रूप्स दिख रहे हैं वो भी वैसे ही हैं, और पावर्स भी, मतलब कॉपी एक, और वो भी पेड गेम है, जो दूसरा गेम है वो भी पेड गेम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये वेव्स आती है इन मॉन्स्टर्स की, हमको बस इन वेव्स से लड़ना होता है। वैसे ही इधर जॉम्बीज के प्रकार क्यों दिखा रहा है, और ये जो गोलेम दिख रहे हैं उनको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, इनको मार मार के कॉइन्स मिलते हैं, बस इतना ही कंसेप्ट है। दिन भर बस एक ही मैच कंप्लीट करते बैठो, इससे बेटर तो क्लैश ऑफ क्लैंस ही खेल लो भाई। वैसे भी ये क्लैश ऑफ क्लैंस की सस्ती कॉपी मेरे को लगा, ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। एक आर्चर टावर है, दूसरा गार्ड पोस्ट है, तीसरा गोलेम तो वैसे एक COC में नहीं होता है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो चलिए अगले गेम पर बढ़ते हैं।
अगला गेम जिसमें हमको सस्ता न्यूक फ्यूरी हमको कुछ कंट्रोल्स वगैरह बताता है जिससे हमें जॉम्बीज को मारना है। और इस गेम को खेलने के चक्कर में मैं बहरा हो गया, मेरे कान के पर्दे फट गए, इतनी खतरनाक आवाज़ है इस गेम की भाई, इतनी ज़्यादा आवाज़ कौन रखता है। ये देखो मैंने इसका साउंड कम करके रखा है, ठीक है ना, मैंने इसकी क्लिप इस क्लिप का साउंड जानबूझ के 30% तक करके रखा है। मतलब अगर ये 70 गुना ज़्यादा होता ये साउंड पूरा हम पूरा 100% पर मैं रखता तो पक्का आपके भी कान फट जाते हैं, लेकिन मेरे को अपने ऑडियंस के कान फोड़ने नहीं है, इसलिए मैं अपने कान जनता के कान फोड़ने का मेरे को कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ कम करके रखी है। वरना मेरे किसको शौक है कमेंट सेक्शन में गाली खाने का। तो इस गेम में बस यही होता है, जॉम्बीज को मारो और एस्केप करो। वाह नहीं, इससे बेटर तो मैं मेटल सोल्जर्स वाली गेम खेल लेता, ये कोई अलग गेम नहीं है बल्कि इसी का सीक्वेंस है। इसमें भी जो का त्यो बस वही है, जॉम्बीज को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, जो का त्यो जॉम्बीज भर दिए हैं। और ये भी पेड गेम है, फ्री में नहीं है, पेड गेम ही है दोनों के दोनों, जो मेरे को फ्री में मिले। प्रीमियम पे आजकल ऐसा लगते रहता है कोई भी एक गेम आपको पेड गेम फ्री में मिल जाता है, कुछ की कीमतें बस कम हो जाती है तो कुछ फ्री में ही दिए जाते हैं। भाई कोई अच्छा सा पेड गेम प्ले स्टोर वाले हमको दे देते तो ज़्यादा मज़ा आता भाई। इसमें क्या ये है, जो का त्यो गेम उन लोगों ने छाप दिया है, बस इसमें ये मिली वेपन उसमें था क्या, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसकी भी साउंड सेम वैसे ही है जो का त्यो, इससे बेटर तो मैं पबजी एम क्राफ्टन वाले हैं जिन्होंने पबजी मोबाइल बनाया, वो भी टेंशन नहीं बना है उन्होंने नहीं, और पबजी पीसी को जेरोक्स कॉपी करके मोबाइल पे डाल दिया। पबजी मोबाइल 2.2 तो नहीं दिखा सकते, इसलिए पबजी न्यू स्टेट पहले नाम रखा, बाद में न्यू स्टेट मोबाइल कर डाला। मतलब देख रहे हो मोदी जी का वजन, मोदी जी का वजन, गेम डेवलपर्स को अपना नाम तक अपने गेम का नाम तक बदलना पड़ रहा है। वैसे वापस टॉपिक पे आते हैं, बस जॉम्बीज को मारो यही खेल चल रहा है, इससे बेटर मेटल सोल्जर्स नाम का एक गेम मिलता है जाके सर्च कर लेना, इससे ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स मिलेंगे और उसमें हेलीकॉप्टर वगैरह भी आपको 2D गेम है इसी की तरह, लेकिन बेहतर हो है उसमें आप टैंक चला सकते हो, रोबोट चला सकते हो, इससे तो बेहतर ही है। हमारे इस वीडियो का सबसे आखिरी गेम जो मेरे को सच्ची में थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, ये गेम पेड होना चाहिए, हाँ लेकिन इसका व्यू बस थोड़ा सा अलग है इसलिए थोड़ा सा बेकार लग सकता है, लेकिन कम साइज़ के हिसाब से बेहतर है। इसका जहाँ तक साइज़ मेरे को याद है बस 200 MB तक ही था, और इसमें भी मतलब थोड़ा अच्छा गेम तो है, जैसे कि यहाँ पर सर्वाइव आपको करना होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को आपको कलेक्ट करना पड़ता है, आप अपना घर भी बना सकते हो इसके अंदर, और यहाँ पर यहाँ आसपास कुछ पत्थर वगैरह मिलेंगे, घास फूस, जिससे कि आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। हाँ लेकिन इसमें एक ट्रैवलिंग का दिक्कत आती है भाई साहब, इसके लिए आपको ये बाइक भी रिपेयर करनी पड़ेंगी, और ये इधर जॉम्बी भाई इतना मोटा जॉम्बी, इसको देख के तो मेरे को रेसिडेंट इवल 8 विलेज वाले वो मॉन्स्टर की याद आ गई, वो ट्रेडर नहीं होता है जिससे आप ट्रेडिंग वगैरह सामान कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ अपने को पत्थर वत्थर इकट्ठा करने को कहा जाता है, और ये यहाँ पर क्या क्राफ्टिंग खुल गई, अच्छा ये पत्थर वाले वेपन्स बनाना। वैसे ये ऐसे गेम्स बहुत सारे हैं ना प्ले स्टोर पर, जहाँ तक मेरे को याद है ऐसे बहुत सारे गेम तो मैंने एक दो बार देखे, खेले नहीं है कभी, लेकिन देखे तो है सर्वाइवल वाले गेम्स, और वो भी TPP परस्पेक्टिव से, TPP परस्पेक्टिव से मैंने देखे हैं, और इसमें बर्ड व्यू है। और ये देखो दोनों के दोनों मेरे पे झपट पड़े, पहले इसको मारो, मेरी हेल्थ कम हो गई और मैं भूल गया इनको मारने के लिए चाकू की ज़रूरत पड़ती है, मैं इनको कुल्हाड़ी से मार रहा हूँ इसलिए इनको कम डैमेज पड़ रहा है, वरना ये दो दो फटके में चले जाते। इसमें बस ट्रैवलिंग के बहुत सारी दिक्कत है, बाकी गेम थोड़ा बहुत तो ठीक है भाई, बेकार तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन इससे बेहतर भी और दो चार गेम मिले, जैसे कि लास्ट डे ऑन अर्थ, मैंने इसको खेला नहीं उसके प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, लेकिन है थोड़ा बहुत अच्छा तो है, और वो फ्री में भी मिलता है, ज़्यादा बेहतर है। इसमें ट्रैवलिंग करने में आपका आधा मतलब वक्त चला जाएगा, तो आपको अगर वक्त बेकार करने का है तो आप ये खेल सकते हो। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ वैसे अलग है नहीं, स्टोरी वगैरह तो कुछ है ही नहीं,
बस सर्वाइव करो, जिंदा रहो। मज़ा कहाँ है भाई, मज़ा तो नहीं आ रहा है इसमें गेम खेलने में, बस जिंदा रहो और कुछ नहीं। स्टोरी वगैरह कुछ डाल देते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। कट सीन, स्टोरी, आर्क सर्वाइवल नाम का मैंने गेम देखा था इसी की तरह है, लेकिन उसमें स्टोरी भी है। आप वैसे वैसे चेक करके मिलेगा नहीं, TPP पर्सपेक्टिव वाला वो कुछ गेम था, अब तक तो शायद उसको हटा दिया पता नहीं क्यों, लेकिन था अच्छा गेम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं पूरा गेम प्ले तो दिखा के आपको बोर नहीं कराना चाहता, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ये वीडियो कैसे लगी, कौन सा गेम आपको अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिख देना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।